तो भाई वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम चतन मांगी अपनी महिंद्रा बोलर है। जो कि यार अपनी महिंद्रा बोलर के अंदर भाई दावे देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है अपनी गाड़ी के लिए। सो यार आपको बताऊँ तो यार कि अपनी गाड़ी के अंदर देखो भाई दावे ऐसा होना पर अपनी गाड़ी के अंदर भाई दावे कभी अपनी गाड़ी की लाइटें ख़राब हो जाती है। जैसे कि यार रियर वाली, जैसे कि आपने नई गाड़ी ले ली आपको लगभग 2-3 साल या 4 साल हो गए आपकी गाड़ी को, मतलब कि यार लाइटों को खुलवाए हुए भाई दावे ख़राब हो जाती है वो लाइट्स। तो फिर वो क्या है कि इसके क्या है कि स्क्रू रहते हैं जो कि यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पकड़ कर लेते हैं। फिर वो क्या है कि उसमें क्या है कि जंग आ जाती है वो हल्की हल्की सी, फिर वो क्या है कि खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है देखो आपकी गाड़ी के अंदर। कहने का मतलब ये है कि भाई ये खुलेंगे नहीं आसानी से। जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर भी मेरे को एक स्क्रू आखिर में काटना ही पड़ा था, जो कि यार ये वाला था, ये देखो क्या ही हालत हो गई थी एक स्क्रू के चक्कर में, देख रहे हो ना इधर से स्क्रू क्या है कि काटना ही पड़ा था भाई, वो खुला ही नहीं। मैंने काफ़ी ज़्यादा कड़ी मशक्कत कर ली फिर भी वो भाई खुला ही नहीं, पता नहीं। फिर मेरे को क्या है कि आखिर में ये काटना ही पड़ा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा भाई आपको, यानी कि आपकी गाड़ी के अंदर 4 से 5 महीने के अंदर आपकी गाड़ी के एक बार स्क्रू खोल लेना या ग्रीस व्रीस लगाओ तो और भी बढ़िया है। अगर नहीं होता है तो भाई कुछ खोल कर एक बार वापस लगा देना एक बार आप, तो वही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अदरवाइज़ भाई आपकी गाड़ी का मतलब यार नट को ही मतलब स्क्रू को काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी से खुलता भी नहीं है। देखो यार ये वाले स्क्रू छोटे छोटे से ये क्या है कि पकड़ कर लेते हैं, फिर क्या है कि रस्टिंग कुछ हो रहा है उनके अंदर, क्या है कि फिर वो जो खोल ही नहीं पाती स्क्रू ड्राइवर से। यही तो है भाई, अभी अपने को क्या है कि समय समय से इसको यानी मतलब यार 5-6 महीने में नहीं तो यार साल भर में खोल लेना भाई, पर ज़रूर खोल लेना, क्योंकि यार फालतू में टाइट हो जाएंगे तो भाई अपनी गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कड़ी मशक्कत करने के बावजूद भी भाई अपने को रिजल्ट नहीं मिलने वाला, मतलब खुल जाएगा ये सा भाई, ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला। फिर अपने क्या है कि हार तक के इसको काटना ही पड़ेगा। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जैसे कि यार खोल ही लेना भाई 5 से 6 महीने के अंदर, क्योंकि यार अपने को ही फ़ायदा है देखो, और किसी को फ़ायदा नहीं है देखो यार अपनी गाड़ी के अंदर। जैसे यार अपनी गाड़ी के अंदर फ्रंट वाली हेडलाइट के अंदर भी मैं खोला था, जो कि यार अभी यार इसके अंदर क्या है कि वो भी नहीं खुली थी, तो फिर मैं क्या है कि उसको भी काटना ही पड़ता। अब आखिर में अपनी गाड़ी के अंदर हेडलाइट्स ये सभी क्या है कि न्यू डलवाने वाले, जो कि यार ओरिजिनल मिंडा की डलवाऊंगा, क्योंकि यार फालतू में क्या ही मतलब है। जो कि यार उसकी प्राइस सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा वो किस प्रकार से रहने वाली है, तो मैकेनिक के पास ही डलवाएंगे। वैसे यार चाहे तो अपन खुद भी डाल सकते हैं, इसके अंदर कपलर टू कपलर काम रहता है और कुछ भी नहीं रहता भाई, और इसके अंदर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा वो तो। बट जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जो कि यार मैकेनिक भी बोलता है आपकी बोलेरो की लाइटों को लगभग यार खोल ही लेना चाहिए, अदरवाइज़ ये भाई खुलेगा नहीं, आखिर में इसको काटना ही पड़ेगा या फिर लाइट को जो पुरानी लाइट है ना उसको तोड़ के ही निकालना पड़ेगा, और कोई भी ऑप्शन नहीं रहता अपनी गाड़ी के अंदर। जैसे कि यार फ्रंट लाइट हो या फिर और कोई सी गाड़ी की लाइट हो, जैसे कि यार रियर टेल लैंप को तो भाई खोल ही लेना चाहिए, क्योंकि यार अपने को ही फ़ायदा रहता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि यार अगर आप नहीं खोलते तो भाई आपको ही नुकसान रहेगा, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा जैसे कि यार आपको कर ही लेना चाहिए वो यार खोल के एक बार। तो वैसे तो यार आज के लिए तो बस इतना ही था, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।